हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स गुरु सो वी आर प्रेजेंटिंग अ न्यू सीरीज डेट इज कंसेप्ट सेंट्रिक सीरीज इन विच वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सर्टेन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडेज टॉपिक आज का टॉपिक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रेस कॉजेज स्ट्रेन और स्ट्रेन काजेस स्ट्रेस तो स्ट्रेस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करता है कि स्ट्रेन स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस कॉजेज स्ट्रेन और स्ट्रेन कॉजे स्ट्रेस इसको समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड वॉट इज स्ट्रेस सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेस हाउ इज दिफाइन इन अ बॉडी स्ट्रेस इज डिवलप्ड इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ एनी रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन सो रेस्ट्रेनिंग फोर्स कॉजेज अ स्ट्रेस समझिए पहले सो so, स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन अ बॉडी इज डेवलप्ड इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ अ रेस्ट्रेनिंग फोर्स इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको ऑन अकाउंट ऑफ अ रेस्ट्रेनिंग फोर्स और रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन जब तक कोई रेस्ट्रेन नहीं होगा तब तक हमारा स्ट्रेस भी डेवलप नहीं करता है डेट इज स्ट्रेस क्या हो गया दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते वी ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेस बाई सिंबल सिग्मा तो स्ट्रेस को देखो ऐसे ही लिखा जाएगा देअर फॉर स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया अब ये रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया तो स्ट्रेस हर वक्त रेस्ट्रेन रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के कारण होगा अब ये का मतलब क्या है बेटा इसको ना मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर मैंने एक मास को रखा है दिस इज अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ओके फ्रिक्शनलेस सरफेस है हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिए दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लो अब यहां पर मैंने एक पी फोर्स लगा रखा है इक्वल टू ट्वेंटी किलो न्यूटन और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस सेक्शन इस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी एट दिस सेक्शन एक्सएक्स मान लो ये बॉडी में एक सेक्शन सेक्शन है। इस इस बॉडी के के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्सएक्स दैट इज स्ट्रेस एट द एक्स सेक्शन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो क्योंकि बेटा यहां पर नहीं, नहीं है यहां पर रिजिड बॉडी मूवमेंट हो गया है। जैसे ही आपने 20 किलो न्यूटन फोर्स लगाया बॉडी एक्सिलरेट करने लग जाएगी बॉडी मूव करेगी इस 20 किलो न्यूटन को रोकने के लिए यहां पर कोई रेस्ट्रेन ही नहीं है तो कोई रेस्ट्रेन नहीं है तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा देयर विल बी नो स्ट्रेस तो स्ट्रेस विल बी जीरो तो जरूरी नहीं है कि बॉडी पे फोर्स लगे तो स्ट्रेस आएगा स्ट्रेस तभी आएगा व्हेन देयर इज रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन मतलब कि मान लो अगर इस बॉडी को मैं रोक दू हम, अगर मैं इस बॉडी को रोक इफ़ आई ट्राई टू स्टॉप दिस बॉडी देखो यहां लगाया 20 किलो न्यूटन का और यहां पे इसको फिक्स कर दिया बॉडी को दिस इज इंडिकेटिंग फिक्सिटी अब ये बॉडी कहीं नहीं मूव कर पाएगी अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस सेक्शन एक्सेक्स अब स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा एट दिस सेक्शन एक्सेक्स व्हाट इज द स्ट्रेस सिग्मा एक्सेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज पी अपॉन ए दैट इज रेजिस्टिंग पी यहां पे क्या है पी इज माय रेजिस्टिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स And A is my area. That is resisting force R and A is my area. अगर मैं इस resisting force को दिखाना चाहूँ तो कैसा दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे आपको free body बनाके दिखाता, if I would have shown you the free body here, तो आपको क्या नजर आता? देखो, right वाले element का मैं FBD बना लाऊँ, this is the free body diagram of this element. तो यहाँ पे देखो एक P force लग रहा है। इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है देखो एक रेजिस्टिंग फोर्स एक आर यहां पे लग रहा होगा दिस इज अ रेजिस्टिंग फोर्स विच इज रेजिस्टिंग इट एंड आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पी बिकॉज यर देयर इज अ फिक्सिटी यहां पर हमने इस डिफॉर्मेशन या इस मूवमेंट को रेस्ट्रेन कर रखा है गॉट माई पॉइंट सो ड्यू टू एनी रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन और ड्यू टू एनी रेस्ट्रेन आवर स्ट्रेस विल डेवलप इन अ बॉडी तो जब तक कोई रेस्ट्रेन नहीं होगा तब तक बॉडी में कोई फोर्स स्ट्रेस भी डेवलप नहीं करेगा तो ये तो समझ में आया ना सबको स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ रेस्ट्रेनिंग फोर्स रेस्ट्रेनिंग फोर्स इज दैट इज अ अस्टिंग फोर्स और एनी रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन तो देखो स्ट्रेस आप समझ गए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेन देखो स्ट्रेस तो आप समझ गए हो अब हम समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन को समझ लेते हैं लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेन इन डिटेल स्ट्रेन देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेन नाउ स्ट्रेन तो आपको पता ही है स्ट्रेन तो बहुत सिंपल है स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एप्साइलन स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाएगा देखो ये बॉडी है फिक्स्ड है वापस से और मैंने यहां पर अगर एक पी फोर्स लगाया तो क्या होगा इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू दिस फोर्स पी मान लो अगर इनिशियल लेंथ एल है और डिफॉर्मेशन इसमें डेल्टा का हुआ है तो स्ट्रेन टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन तो स्ट्रेन इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन सो स्ट्रेन इज स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इस तरीके से हमने डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी को डिफाइन किया गया अब देखो मेन क्वेश्चन मुद्दे की बात पे आते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूस ट्रेन और स्ट्रेस या स्ट्रेन कॉजे स्ट्रेस इसका सोल्यूशन बताता हूं देखो जब भी हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी तो सबसे पहले क्या होने वाला है उसमें जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इट विल लीड टू डिफॉर्मेशन अगर रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन होगा तो कब होगा वेन इट इज रेस्ट्रेन बॉडी इज रेस्ट्रेन लाइक इन आवर केस इट वॉज फिक्सड वेन द बॉडी वॉज फिक्सड तो जैसी आपने पी फोर्स लगाया क्या हुआ होगा सबसे पहले सबसे पहले बेटा यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ होगा सबसे पहले क्या हुआ होगा यहां पर डिफॉर्मेशन दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज रेस्ट्रेन डिफॉर्मेशन ये डिफॉर्मेशन के कारण क्या आया होगा स्ट्रेन और इस स्ट्रेन ने प्रोड्यूस किया रेजिस्टिंग फोर्स this strain have caused a resisting force and this resisting force produces the stress so kisne kisko produce kiya stress is caused by strain to correct answer kya hai? Ya, st stress is caused by a strain causes stress aise deta hu therefore strain causes stress स्ट्रेन विल ऑलवेज stress दिस स्ट्रेस स्ट्रेस इज कॉज क्योंकि अभी भी आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो बॉडी में सबसे पहले क्या होता है मॉलिकुलर लेवल पे डिफॉर्मेशन होते हैं दिस डिफॉर्मेशन विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेन और बॉडी जो है उस स्ट्रेन को रजिस्ट कर रही है बाई अप्लाइंग दिस रजिस्टिंग फोर्स हमने देखा था एफ एफ बी डी में वी एफ सीन we have seen this FBD कि किस तरीके से जब हमने इसको fix किया तो एक restraining एक resisting force आ गया this resisting force is resisting the deformation और this is due to the restrained deformation so जब तक strain नहीं होगा तब तक stress नहीं होगा तो कौन किसको produce कर रहा है बात समझ में आई आपको स्ट्रेन इज कॉजिंग स्ट्रेस इसीलिए बेटा आपने ध्यान दिया होगा जब हम स्ट्रेस ट्रेन कर्व बनाते हैं किसी भी मटीरियल के लिए मान लो स्टील के लिए या किसी भी मटीरियल के लिए जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्फ बनाते हो तो स्ट्रेन इज ऑलवेज इन द एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस इज ऑलवेज इन दाई एक्सिस है ना मान लो माइल्ड स्टील का अगर कर देखोगे तो कुछ इस टाइप का कर्व हो जाता है दिज अ स्ट्रेस स्ट्रेन करव फॉर अड स्टील देखो ये जो कर्व मैं बना रहा हूं आपके लिए दिस कर्व डेट यू आर दिस कर्व डेट यू आर हियर इन दिस केस आवर स्ट्रेन इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस हमें पता है कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी जो कि इंडिपेंडेंट है यहां पे स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है एंड स्ट्रेस इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन इसीलिए वो वाई एक्सिस पे है Got my point. हर को मैं एक पे करते हैं क्योंकि strain is an independent quantity. Strain क्या है? एक और भी प्रूफ दे सकता हूं मैं हुक्स लॉ हुक्स लॉ में आप बोलते हो ना क्या बोलते हो हुक्स लॉ में हुक्स लॉ में आप क्या बोलते हो कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आप ऐसे नहीं बोलते कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस क्या बोलते हैं हर वक्त स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्योंकि स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है गॉट माय पॉइंट और एक्स एक्सिस में हर वक्त स्ट्रेन आएगा बिकॉज स्ट्रेन इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी क्योंकि स्ट्रेस को कौन प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेन सो स्ट्रेन कॉजेज स्ट्रेस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन गॉट माई पॉइंट तो इसी तरीके के ब्यूटीफुल कंसेप्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो हमारा ऐप भी है बाय द नेम इंजीनियर्स गुरु ऑन विच वी आर फ्लोटिंग कंसेप्ट मैनी कंसेप्चुअल कोर्सेस ऐप का लिंक आपको यहां से मिल जाएगा यू कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड यू कैन गेट द ऐप लिंक ऑफ इंजीनियर्स गुरु और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मेनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वॉट माई पॉइंट सो थैंक्स अ लॉट और आपको बाकी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन बाय बाय। टेक है